खेलता हुआ बच्चा बेड के नीचे से निकला और उसके पीछे दो अनजान हाथ बेड के नीचे से उसकी तरफ को आते दिखे। इस वीडियो की सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो डर के मारे आपकी नींद उड़ने वाली है। आओ देखते हैं कुछ खौफनाक वीडियोस को जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। Carly, what are you doing out here, babe? दोस्तों, अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो को तो आप भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो आपने सुना ही होगा कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो ये वीडियो एक सच्ची बच्ची की अजीब सी फ्रेंड के बारे में है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो साल 2021 में अमेरिका के एक छोटे से टाउन में रहने वाले एक व्यक्ति ने तब रिकॉर्ड की जब उसकी बेटी अचानक से अपने घर से निकलकर रात के अंधेरे में जंगल में आ गई। तो रात के करीब 8 बज रहे थे और ये व्यक्ति अपने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में देख रहा था कि उसकी बेटी अचानक से घर की लोवी से निकलकर जंगल की तरफ जा रही है, जो कि उनके घर के पीछे ही है। ये काफी घबराता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए भागता है, और तब जो वीडियो में रिकॉर्ड होता है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। Carly! 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 Carly, what are you doing out here, babe? What are you doing out here? My friend. Your friend? Yeah. Let's go back inside, baby. Let's go back inside. Come on. वीडियो में आपने साफ साफ देखा कि ये व्यक्ति अपनी बेटी का नाम पुकारते हुए यहाँ पर जंगल में आ गया था। पहली नजर में हम व्यूअर को देखने पर लगता है कि उसकी बेटी एक ही जगह फ्रीज हो गई है और बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। लेकिन जब ये व्यक्ति उसके पास पहुँचता है, तभी अपनी बेटी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब उसकी बेटी बताती है कि यहाँ पर उसकी एक दोस्त है जो कि वहाँ पर जंगल की तरफ चली गई। अब दोस्तों, सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना कि एक छोटी बच्ची जो काफी कम उम्र की है, वो अंधेरे में अकेले यहाँ पर इस जंगल में आ गई, और वो भी किसी ऐसी दोस्त के पीछे जो शायद इंसान है भी या नहीं, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब जिस तरफ ये बच्ची अपनी उंगली से इशारा करती है, उधर ये व्यक्ति टॉर्च मार के देखता है कि वहाँ पर कोई खड़ा तो नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब ऐसी कौन सी दोस्त थी जिसके साथ ये बच्ची यहाँ पर आ गई थी और जो हम व्यूअर और उसके पिता को नहीं दिखी। इस वीडियो को अपलोड करते हुए ये व्यक्ति इस वीडियो के कैप्शन में बताता है कि उसकी बेटी ने बताया कि जब वो घर में बैठी हुई थी, तब एक लड़की उसके पास आई और बच्ची बताती है कि वो उसकी दोस्त थी, और बच्ची ने ये भी बताया कि वो लड़की उसके पास आकर कहने लगी कि चलो हम जंगल में घूमने चलते हैं। अब दोस्तों, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, तो क्या सच में कोई लड़की उसके पास आई थी जो उससे बातें कर उसको जंगल में ले गई? आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, क्या हो अगर आपको किसी खाली पड़े घर में अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगे, और खौफनाक बात ये हो कि उस घर में अभी तक कोई भी रहने नहीं आया था, तो फिर एक छोटा बच्चा इस घर के बेसमेंट में कैसे रह सकता है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो साल 2018 में जेवियर नाम के एक कारपेंटर ने तब रिकॉर्ड की जब वह इस घर में कुछ लकड़ी का काम कर रहा था। इस टाइम सुबह के करीब 10 बज रहे थे और जेवियर को अचानक घर के किसी कोने से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस अजीब सी बच्चे की आवाज कर काफी हैरान और परेशान होता है, क्योंकि इस घर में तो अभी तक कोई भी इंसान रहने नहीं आया था, तो एक बच्चा यहाँ पर कैसे हो सकता है? अब डरा सहमा जेवियर अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करता है और घर के सभी कमरों को चेक करने लगता है। Te acabo de rellenar, hicimos ese shower y esto. Desde hace rato vengo escuchando un llanto como de niño. Pero el pedo es de que aquí en la casa esta pues, no hay. Están todos los cuartos vacíos. Y me da miedo ir al basement, pero. A ver, deja checar.
पर किया फिर। वीडियो में आपने साफ साफ देखा कि जेवियर ने हर जगह चेक किया, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि घर के सारे कमरे खाली थे और जेवियर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे के रोने की आवाज आ कहां से रही है। इसके बाद जब वो बेसमेंट की तरफ जाता है तब वो आवाज तेज होने लगती है। अब ध्यान से इस वीडियो को देखो। बेसमेंट पे रहो। देखा चक्का porque ya afuera no hay nada. Hola. Güey, no mames. No mames. वीडियो में आपने साफ साफ देखा कि जब जेवियर बेसमेंट के इस रूम के पास आया तब उस बच्चे की आवाज तेज होने लगी, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजा खोला तब अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। अब दोस्तों जेवियर ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसको पूरे घर में कोई भी बच्चा नहीं मिला जिसकी वो आवाज हो। यह वीडियो जब इंटरनेट पर वायरल हुई तो हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि घर के अंदर से आवाज तो आ रही थी लेकिन पूरे घर के अंदर कोई भी नहीं था। अब दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि वो कोई इंसानी बच्चा नहीं था बल्कि एक रूप बदलने वाला क्रिएचर था जिसको हम छलावा कहते हैं, जो कि बच्चे की आवाज निकालकर जेवियर को फंसाना चाहता था। अब दोस्तों वीडियो में आवाज बराबर आ रही थी लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं था, तो हो सकता है कि वो वाकई में कोई छलावा हो। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब जिस खौफनाक वीडियो को आप देखने वाले हैं वो वीडियो इतनी रहस्यमयी है कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वीडियो में रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा हुआ जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस था और साथ में काफी ज्यादा डरावना था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने तब रिकॉर्ड की जब वो रात के समय टीवी देख रहा था। इस वीडियो के कैप्शन के अनुसार ये व्यक्ति घर में अकेला था और इसके फैमिली मेंबर वीकेंड ट्रिप पर गए हुए थे। अब ये यहाँ पर नॉर्मली टीवी देख रहा था और सब कुछ नॉर्मल था, तभी इस वीडियो में कुछ ही सेकंड बाद इसके पास वाले रूम से इसको किसी की आहट सुनाई देती है। अब आहट सुनकर ये काफी घबरा जाता है क्योंकि घर में इसके अलावा कोई भी नहीं था, बस इसका एक पालतू डॉग था जो इसी के पास बैठा हुआ था। ये काफी घबरा जाता है क्योंकि पास के रूम से कुछ आवाजें आती हैं। अब इसके कुछ ही सेकंड बाद कुछ चीजें रूम के अंदर से बाहर को गिरती देखी जा सकती हैं, या फिर वो किसी ने गिराई हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से देखो। Yo, what the f***? There's nothing there, boy. Where you going? What's there, boy? What the f- Yo, what the f- What'd you see? Why are you scared, boy?
इस वीडियो में आपने साफ साफ देखा कि इसके सामने लटकी हुई वो लाइट अपने आप हिलने लगती है और टेबल पर रखा सामान भी खुद ब खुद हिलता है। अब ये चेक करने तो गया था कि कहीं उस दीवार के पीछे तो कोई नहीं है जो इन सभी चीजों को हिला रहा हो, तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब इसका डॉग अचानक से किसी की आहट महसूस करके घर के फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है और जब ये व्यक्ति उस डॉग के पीछे फर्स्ट फ्लोर पर जाता है तो वहाँ पर इसको इस डॉग के अलावा अंधेरे में और कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इसको महसूस हो रहा था कि इसके घर में कोई ना कोई तो घूम रहा है। अब इसी वीडियो को रिकॉर्ड करने के आधे घंटे बाद इसके साथ एक और खौफनाक घटना होती है। यह व्यक्ति बताता है कि जब वो पूरे घर में चेक करके अपने सोफे पर आकर बैठ गया था तब उसको घर के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जब ये उस आवाज को देखने के लिए घर के बाहर निकला तब डर के मारे इसकी हालत खराब हो गई थी। अब जैसे ये घर के बाहर निकलता है तब इसको अपनी तरफ एक अजीब तरह से टायर आता हुआ दिखाई देता है। ये समझ नहीं पाता कि इतनी रात में ये टायर यहाँ पर कैसे आया और उसको इसकी तरफ किसने फेंका। इसके बाद जब ये अपना कैमरा रोड की तरफ करता है तब एक ब्लैक कलर की परछाई इसको रोड के बीच में खड़ी हुई दिखाई देती है। उस परछाई को देखकर ये बुरी तरह से घबरा जाता है। ये इस वीडियो के कैप्शन में बताता है कि वो परछाई भले ही दिखने में इंसान ही लग रही थी लेकिन वो इंसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके शरीर की लंबाई चौड़ाई किसी इंसान से मैच नहीं करती थी। उस आकृति की लंबाई करीबन 8 से 10 फीट रही होगी। अब उस परछाई को देखने के बाद ये बुरी तरह से घबरा कर अपने घर में वापस आ जाता है, पर रात के करीब 3:40 पर एक खौफनाक क्रिएचर इसके घर की विंडो पर दिखाई देता है और वो शायद इससे कुछ कहना चाह रहा था। Would you let me in? अब दोस्तों इस तरह से घर में किसी की आहट महसूस होना और घर के पास वाली सड़क पर किसी ऐसी खौफनाक एंटिटी का दिखाई देना और साथ में इसकी घर की खिड़की पर किसी क्रिएचर का दिखाई देना, इससे यही साबित होता है कि कोई तो था जो इसको अपना शिकार बनाना चाह रहा था। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कि आखिर वो खौफनाक एंटिटी कौन थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो साल 2015 में अनइंटेंशनली कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिस बच्चे की ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी उस परिवार का कहना था कि अक्सर वो अपने बेटे की फोटोज क्लिक करते रहते थे और उसकी वीडियो रिकॉर्ड भी करते रहते थे। अब इस बच्चे की माँ वीडियो के कैप्शन में एक्सप्लेन करती है कि जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुई उस दिन वो अपने बेटे की रिकॉर्डिंग करते टाइम अचानक बाहर से किसी की आवाज़ सुनकर कैमरा वहीं रखकर बाहर देखने चली गई कि कौन है, लेकिन जब उसने लौटकर आकर कैमरे की फुटेज चेक करी तब उसके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि किसी अनजान शख्स के हाथ उसके बच्चे के पीछे बेड के नीचे से निकलते दिखाई दिए। लेडी बताती है कि बेड के नीचे इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई बड़ा इंसान इसके नीचे आ जाए। बच्चा खुद मुश्किल से इस बेड के नीचे घुसा था और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि उसके घर में उसके और उसके बेटे के अलावा कोई भी नहीं था। जब घर में कोई नहीं था तो वो बेड के नीचे कौन था जिसके हाथ हमने देखे थे। वीडियो को ध्यान से देखने पर हम नोटिस करते हैं कि उस एंटिटी का चेहरा एकदम सफेद था, जैसे किसी मरे हुए इंसान का होता है। इस बच्चे की माँ ने बेड के नीचे और पूरे घर में अच्छे से चेक किया लेकिन उसको अपने घर में कोई भी इंसान नहीं दिखा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि घर में कौन हो सकता है? दोस्तों सोचो क्या हो अगर आप किसी सुनसान जंगल से गुजर रहे हों और उस जंगल के खौफनाक अंधेरे से आपको किसी बच्चे की पुकार सुनाई दे जो आपके साथ एक गेम खेलना चाहता है, तब आपकी क्या हालत होगी? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो साल 2019 में दो दोस्तों द्वारा तब रिकॉर्ड की गई जब वो नॉर्थ अमेरिका के एपेलिसियन पहाड़ों के जंगल से गुजर रहे थे। वो जंगल यूजुअली काफी घने होते हैं और वहाँ पर नॉर्मली कोई भी इंसान नहीं जाता। अब ये दोनों दोस्त यहाँ से गुजर रहे थे तभी अचानक इन दोनों को जंगल से किसी बच्चे की पुकार सुनाई देती है जिसमें कि वो बच्चा कह रहा था कि आओ और मुझे जंगल में ढूंढ लो। ये दोनों इस आवाज को मजाक में लेने लगते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम जो जंगल से हमें आवाज दे रहा है, जंगल से बाहर आ जाओ वरना हम अपने कुत्ते तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। इतना कहने पर गहरे अंधेरे से आवाज आती है कि हमको तो कुत्ते पसंद हैं, और कहते हैं कि आओ हमें जंगल में ढूंढ लो और हमारे साथ खेलो और ये बस एक खेल है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और सुनो उस अंधेरे वाली एंटिटी ने क्या कहा। Sir, come out of the woods before we send in the dogs. The dogs will come find you. Here they come. Yeah.
yourself. Sit. I know your fat ass is cold in the snow. It's warm. How the f*** are you still hitting, you fucker? Go get him. Where is he? Where is he? I have no clue. Where is he? Yeah, I know. Yeah, what? वीडियो में आपने देखा कि एक अनजान बच्चा जंगल के अंधेरे से इनको आवाज लगा रहा था और इन दोनों को उकसा रहा था कि वो जंगल में आकर उसको ढूंढें। अब ये दोनों तो इस चीज को मजाक में ले रहे थे और सोच रहे थे कि उनसे कोई प्रैंक कर रहा है। अब इनमें से एक दोस्त डराने के लिए कुत्ते की आवाज निकालता है ताकि अंधेरे में जो भी हो वो डर कर बाहर आ जाए, लेकिन उस खौफनाक अंधेरे से कोई भी बाहर नहीं आता। इसके बाद वो माइक लेकर अंधेरे में जाकर शोर मचाने लगता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन काफी शोर मचाने के बावजूद भी उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। यहाँ तक कि जब उसका दोस्त पूछता है कि वहाँ पर तुमको कोई मिला क्या, तब उसका दोस्त कहता है कि नहीं, यहाँ पर तो मुझको कोई भी नहीं दिख रहा। अब दोस्तों, इस वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि एक छोटा बच्चा एक ऐसे जंगल में जहाँ पर उम्र में बड़े लोग आने से भी डरते हैं क्योंकि ये जंगल बहुत ही घना और खौफनाक है, तो ऐसे खौफनाक जंगल में एक बच्चा कैसे रह सकता है और वो भी रात के समय, और ऊपर से वो अंधेरे में से ऐसी बातें कर रहा है जो कि बिल्कुल अजीबोगरीब है। ये अपने आप में ही काफी रहस्यमय बात है। इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद उन दोनों दोस्तों ने वीडियो के कैप्शन में बताया कि हम तो सिर्फ मजाक समझ रहे थे, लेकिन जंगल में वाकई में कोई था जो उनको आवाज दे रहा था, और वो कोई बच्चा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कोई ऐसा था जो सिर्फ बच्चे की आवाज निकाल रहा था ताकि हम दोनों उसके झांसे में आ जाएं। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर अंधेरे में वो एंटिटी किसकी हो सकती है, कौन था जो इनको डराने की कोशिश कर रहा था? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो आपका दिमाग ना घुमा दे तब बोलना, क्योंकि इस वीडियो को आप देखते रह जाओगे लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये वीडियो 7 दिसंबर 2007 को एक व्यक्ति ने तब रिकॉर्ड की जब वह रात के समय अचानक किसी की आहट से उठा। इसको लगा कि घर में शायद कोई घुस आया है, इसलिए वो हर जगह चेक करने लगता है, लेकिन जैसा ये सोच रहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो आवाज इसके घर में रखी एक अलमीरा से आ रही थी। अब जैसे ही अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर पहुँचा तब इसकी डर हमारे हालत खराब हो गई, क्योंकि इस अलमीरा के मिरर में साफ साफ एक अजीब सी परछाई शीशे में आर पार दिखाई दे रही थी। अब दोस्तों, ये बुरी तरह से घबरा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो अलमारी अंदर से लॉक थी तो इसके अंदर कोई कैसे हो सकता है। इसके बाद जब ये डरते डरते इस अलमारी को खोलता है तो तब जो रिकॉर्ड हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। Look out, look out, look out.
वीडियो में आपने देखा कि एक सफेद कलर की परछाई उस अलमीरा के मिरर से दिखाई देती है। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस अलमीरा में कोई लेडी कैद हो, पर जब ये व्यक्ति डरते डरते उस अलमीरा को खोलता है तब हैरतअंगेज तरीके से वो खाली होती है, अंदर कोई भी नहीं था। ये व्यक्ति इस वीडियो के कैप्शन में बताता है कि ये उनके साथ कई दिनों से हो रहा था। तब जब कई दिन बीत गए तब उसको समझ में आया कि आखिर ये हो क्यों रहा है। दरअसल उसका कहना था कि शायद कोई आत्मा उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आत्माओं को इस दुनिया में आने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, तो वो आत्मा इस मिरर के माध्यम से उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, बहुत ही कम ऐसी वीडियोस होती हैं जो वाकई में हमको डरा देती हैं, और हम भी उन वीडियोस को देखने के बावजूद भी नहीं समझ पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये वीडियो उन्हीं में से एक है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं, ये वीडियो डार्क वेब पर अपलोड किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इस वीडियो को डार्क वेब से उठाकर नॉर्मल इंटरनेट पर वायरल कर दिया। अब इस वीडियो में ऐसा क्या रिकॉर्ड हुआ था कि जो ये वीडियो डार्क वेब पर अपलोड की गई थी? तो डार्क वेब पर हमेशा ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जो एकदम सच्ची होती हैं, और उनको दुनिया की सबसे खौफनाक घटनाओं में गिना जाता है। ये खौफनाक वीडियो पेरू में रहने वाले कुछ स्टूडेंट्स ने तब रिकॉर्ड किया जब वो अपनी स्कूल ट्रिप पर घूमने आए हुए थे। अब आपको तो पता ही है कि स्कूल टाइम में लड़के शरारती होते हैं, तो इसी वजह से ये कुछ दोस्त अपनी ट्रिप से टीचर को बिना बताए जंगल में घूमने आ गए। लेकिन ये जंगल कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि ये जंगल पेरू का सबसे खौफनाक जंगल था। अब ये लड़के यहाँ पर मस्ती करने लगते हैं और इनमें से कुछ पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ वो काफी ज्यादा खौफनाक था। अब इस वीडियो को ध्यान से देखो। Está rezando Junior. Este no es Munra. Este no es Misael. वीडियो में दिख रहा है लड़का जब उस पेड़ पर चढ़ा था तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वीडियो में कुछ सेकंड के बाद जब ये लड़का पेड़ पर था तब एक अजीब सी एंटिटी उसके पीछे दिखाई देती है। अब इस वीडियो में काफी अंधेरा था और हम भी नहीं समझ पाते कि वो एंटिटी क्या थी, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो चीज दिख रही है जो इस लड़के के पीछे है वो शायद उस एंटिटी के बाल है। अब जैसी ये अजीब सी एंटिटी इस लड़के के पीछे दिखाई देती है, उसके कुछ ही सेकंड बाद ये लड़का अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। ये अजीब तरह से पेड़ उतरता है और पेड़ से उतरने के बाद अपने ही दोस्तों पर घुरने लगता है। इसकी आंखें एकदम सफेद हो गई थीं और ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी अदृश्य पावर ने इसको अपने कब्जे में कर लिया हो। इसके दोस्त बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उनको भी समझ में नहीं आता कि उनके दोस्त को क्या हुआ है। अब ये वीडियो तो यहाँ पर ही खत्म हो गई थी, लेकिन इसके दोस्त ने वीडियो के कैप्शन में बताया था कि वीडियो रोकने के बाद उनका दोस्त जोर जोर से चीखने लगा और उसके बाद बेहोश हो गया। जब उस जंगल के आसपास के रहने वाले लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तब वहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि उस जंगल में जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वहाँ पर कई सौ सालों से काफी अजीब क्रिएचर देखे गए हैं जो इंसान के दिमाग को पलट देते हैं और उसको अपने काबू में कर लेते हैं। अब दोस्तों, इस लड़के के पीछे जो चीज दिखी थी वो शायद वही क्रिएचर था। जो भी हो, ये वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, सोचो क्या हो कि बीच रात में अगर आपके दरवाजे पर कोई नोक करे और जब आप दरवाजा चेक करने जाएं तो वहाँ पर कोई भी ना हो, तब शायद आप ज्यादा ना डरो। लेकिन अगर आपके सीसीटीवी कैमरे में वो दरवाजा खटखटाने वाला दिख जाए और वो कोई खौफनाक एंटिटी हो, तब आपका क्या हाल होगा? अब जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड हुआ था। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला डेविड नाम का ये व्यक्ति अपनी पत्नी के कहने पर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। उसकी पत्नी बताती है कि जब रात के 2 बज रहे थे तब वो नीचे से पानी पीकर सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी अचानक से उसने किसी के द्वारा अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। लेकिन उस टाइम पर जब उसने चेक किया था तब दरवाजे पर एक्चुअल में कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि घर के अंदर और बाहर भी कोई नहीं था। अब इसी चीज को चेक करने के लिए डेविड अपने सीढ़ियों के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रहा था, और तब जो कैमरे की फुटेज में रिकॉर्ड हुआ उससे ज्यादा खौफनाक और कुछ नहीं हो सकता। अब इस वीडियो को ध्यान से देखो।
इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा गया कि किसी के दरवाजा खटखटाने से पहले इस घर की सीढ़ियों के नीचे एक अजीब और डरावनी सी औरत बाहर निकलती दिखाई देती है। और वीडियो में ये भी दिख रहा है कि उसी टाइम पर डेविड की वाइफ भी ऊपर जा रही थी। इस फुटेज को देखने के बाद डेविड की वाइफ हैरान होकर बताती है कि उसने इसी टाइम पर घर के अंदर और बाहर चेक किया था, लेकिन उसको तो ये औरत कहीं नहीं मिली। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये कहां से रिकॉर्ड हो गई? अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि ये डरावनी औरत डेविड की वाइफ को दिखाई क्यों नहीं दी? आखिर घर से बाहर निकलते ही वो कहां गायब हो गई? दोस्तों क्या ये कोई इंसान थी इस तरह का ड्रामा कर रही हो, या फिर ये कुछ और थी? लेकिन इस वीडियो के कैप्शन में डेविड ने एक बात साफ साफ बताई कि वो इस औरत को बिल्कुल भी नहीं जानते और उन्होंने पहले इसे कभी नहीं देखा। अब इसका इस घर में आने का मकसद क्या था? इस वीडियो के इंटरनेट पर अपलोड होने के बाद कुछ लोगों का ये कहना था कि ये औरत शायद घर में चोरी वगैरह करने आई होगी और कैमरे के सामने सिर्फ ड्रामा किया। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये औरत शायद कोई विच थी जो कि घर में जादू टोना करने आई हुई थी। अब दोस्तों सच क्या था ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों? दोस्तों अब जो आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो एक लाइव स्ट्रीम का है, जहां पर मिली नाम की ये लड़की एक शाम अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मेकअप ट्यूटोरियल की लाइव स्ट्रीम कर रही थी। ये घर में अकेली थी और इसके पेरेंट्स भी कहीं बाहर गए हुए थे, जिसको ये वीडियो में भी बताती है। अब ये मेकअप ट्यूटोरियल का लाइव स्ट्रीम कर रही थी और सभी कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक कुछ ही मिनट बाद इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट आने लगते हैं, जिसमें कि इसके व्यूवर कह रहे थे कि मिली के घर का दरवाजा अपने आप खुला और एक छोटी बच्ची इसके पीछे देखी गई। मिली कमेंट पढ़कर परेशान हो जाती है कि उसके अलावा उसके घर में और कोई भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके घर का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ जाए। लेकिन उसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसके व्यूवर कह रहे थे कि उसके घर का दरवाजा वाकई में अपने आप खुला है और उसके पीछे एक छोटी बच्ची देखी गई है। अब इतना कहने पर जब मिली अपने फोन की रिकॉर्डिंग चेक करती है तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बात सच थी। Yeah. Okay, so on the live, so right, 1 minute I'm doing my makeup in the mirror, like this, like literally doing nothing, and then that everyone's like, oh, someone just walked in your house, and I was like, stop winding me up, no one's walked in my house, like, stop winding me up, and then I walked over to the back door. Yeah. I'll show you the back door now. Look. All right. I walked over to the back door. Yeah. So this is how the camera works. The camera was like this in my house, and you can see the back door there. Yeah. There's a reflection there. Because yeah. I have an automatic sensor when you walk out my back door that the back door light comes on. Yeah. Oh, I've just got the door again. So like, look, and you can see everything in the garden. Okay? Yeah. I'm locking the fucking door. Right, I'm now going to show you the CCTV footage on my phone from my live. That's CCTV footage? From the live. I've got it downloaded. I downloaded the live. And what was you supposed to have seen? Someone else? This was 5 nights ago, by the way. Yeah, now look. Okay, so... I'm watching. Right, the door opens. Wait. I'm gonna zoom in. Oh, no way! How did your door open? It's glass, you can see through the door, look. There's no one there. You're joking. Bro, this is like The Ring. And then, it gets worse, mate. I don't know what to do, I'm actually shitting myself. Look. Oh my God, you're joking. You're lying. No way. Look, there's a fucking head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? It's come up with a little Chinese kid in there. And then, I then walk over, at this point, I walk over to the door, because everyone was saying there's someone behind me, and this doesn't show on the live, it's been cut. इस वीडियो में आपने साफ साफ देखा कि इसके घर का दरवाजा अपने आप खुलता है, जिस पर ये ध्यान नहीं देती। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जब ये थोड़ा साइड में हटती है तब एक छोटी बच्ची इसके पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। मिली ये सारी बात अपनी दूसरी लाइव स्ट्रीम पर अपने इस दोस्त को एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे उसके साथ ये खौफनाक घटना हुई। वीडियो में क्लियरली देखा गया कि एक बच्ची वाकई में घर के अंदर आई थी, लेकिन मिली वीडियो के कैप्शन में बताती है कि उसने अपने व्यूवर्स के कमेंट पढ़ने के बाद घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसको वो बच्ची कहीं भी नहीं दिखी। अब दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्ची घर के अंदर एंटर हुई लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिली? ये वीडियो अपने आप में ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस पास वाली बेल आइकन पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।